ओके हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब। मैं हूं विशी और आप देख रहे हैं बाउंड टू इन्वेस्ट यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे मंडे यानी कि कल के लिए हमारी कौन सी वॉच लिस्ट होगी, कौन से शेयर बाइंग में होंगे, कौन से शेयर सेलिंग में होंगे। सो आपको आइडिया है कि क्या करना है मंडे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे वीडियो हर रोज हर दिन लेते आते हैं। और जो बाजू में घंटे वाला बटन है उसे जरूर दबा दीजिए, जिसको आपको हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। और हम क्या करें कि इंडिकेटर पे सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करेंगे और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम उसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। तो अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है तो सिंपल सा तरीका है, आप हमारे साथ जुड़ जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता देता हूं, ये एक आइडिया है कल क्या हो सकता है। अगर ऐसा होता है तब आपको लेना है। देखो, कल अगर मैं कोई सेलिंग वाला देता हूं तो वो सेलिंग में है तब लेना है, कोई बाइंग वाला देता हूं तो वो स्टॉक आपको कोई बाइंग में सिग्नल दे तब लेना है। ऐसे ही नहीं होता कि बाइंग वाले बाइंग में सुबह से ले लिए, सेलिंग वाले सेलिंग में ले लिए। तो आपको देखना पड़ेगा, अगर आपको जो भी है बाइंग या सेलिंग, जो भी आपको वो स्टॉक इसमें सिग्नल दे रहे तब आपको उसमें लेना। तो जो हमारा पहला स्टॉक है वो है रिलायंस। रिलायंस क्यों है वो देख लेते। तो रिलायंस में आपको एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देखने को मिल रहा है, बाद में एक क्या इधर स्पिनिंग टॉप जैसे एक कैंडल बना दिए, बाद में उसका कंफर्मेशन भी इसने रेड कलर की कैंडल से दे दिया। बाद में हमारा जो दूसरा स्टॉक है वो कैडिला हेल्थ केयर है। कैडिला हेल्थ केयर क्यों है वो देख लेते। पहले तो आपको ये क्या है कि एक अपने रेजिस्टेंस की लाइन से ये नीचे जाता हुआ दिख रहा है। ये लाइन नहीं है लेकिन ये ऊपर की इधर आप लाइन ड्रॉ करोगे तो रेजिस्टेंस लाइन से नीचे जाता हुआ दिख रहा है। बाद में मैं इसे जब 1 आवर्स पे शिफ्ट करता हूं तो आपको एक डबल टॉप जैसी पैटर्न दिखती हुई दिखेगी। देखो ये आपका अप ट्रेंड, एक पहला टॉप, दूसरा टॉप, ये नीचे जा, अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया, लेकिन अगर ये मंडे इसको ब्रेकआउट करके नीचे निकल जाता है और सस्टेन कर लेता है वो लेवल को, तो आपको एक अच्छा सा डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है कैडिला हेल्थ केयर में। इसीलिए कैडिला हेल्थ केयर मेरे सेल लिस्ट में। अगर ये आपको सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है तो आप इसे सेल कर सकते हो। बाद में हमारा तीसरा स्टॉक है वो लुपिन है। लुपिन क्यों है वो देख लेते। 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको एक क्या है कि इधर आपको एक अनडिसीजनल कैंडल दिखा दिए और एक वॉल्यूम के साथ थे, तो हो सकता है कल ये आपको एक डाउन ट्रेंड में मिले। और आप जब देख रहे हो इसको 1 आवर्स के चार्ट पे, तो 1 आवर्स के चार्ट पे ये क्या है कि आप देख लिए इसका पहला टॉप, ये ऊपर जाके दूसरा टॉप, थोड़ा ऊपर है लेकिन इतना चलता है, लेकिन बाद में इसने थोड़ा डाउन ट्रेंड स्टार्ट कर दिया। तो हो सकता है कल ये आपको क्या है कि एक डाउन ट्रेंड में मिले तो आप इसे ले सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा स्टॉक लुपिन, इसे भी आप सेल के लिए ले जा सकते हो अगर ये आपको अपॉर्चुनिटी देता है तब। बाद में हम जाते हैं बायोकॉन की तरफ। जो हमारा चौथा स्टॉक है वो भी सेल के ओर है और वो बायोकॉन है। बायोकॉन क्यों है वो देख लेते। एक अच्छा खासा अप ट्रेंड और इधर आपको एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिली है, तो ये इसीलिए हमारे क्या है कि सेल लिस्ट में। अगर यह हमें कल कोई अपॉर्चुनिटी देता है सेल साइड के लिए तब हम इसमें एंट्री लेंगे सेल साइड। बाद में जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। जेएसडब्ल्यू स्टील किसके लिए है वो देख ले। तो नॉर्मल सी बात है, आपको एक अप ट्रेंड दिख रहा, इधर एक शूटिंग स्टार पैटर्न दिख रही है। बाद में अगर मैं इसको क्या है कि 1 आवर्स के चार्ट पे ले जाऊं तो मेरे को एक राइजिंग चैनल जैसा दिख रहा है। देखो ये राइजिंग चैनल आपको दिख रही है। अगर ये आपको ये राइजिंग चैनल ब्रेकआउट करके नीचे जाता हुआ दिखे मंडे को तब भी आप इसमें सेल साइड एंट्री ले सकते हो। अगर आपको स्टार्टिंग में कोई ऐसा डाउन ट्रेंड देखने को मिल जाए तब भी आप इसमें सेल साइड एंट्री ले सकते हो, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन के साथ इसमें सेल साइड एंट्री लीजिएगा। तो ये था हमारा नेक्स्ट स्टॉक जेएसडब्ल्यू स्टील सेल साइड के लिए। जो हमारा आखिरी स्टॉक है वो है स्कॉट। स्कॉट क्यों है वो देख ले। तो स्कॉट तो जब मैं 1 डे पे लगा रहा हूं तो आपको क्या है कि कंसोलिडेट वाला पार्ट मिल रहा है। तो देख रहे तो जो इसका मेन ब्रेकआउट है वो तो हो चुका है, लेकिन एक शेडो आगे थी तो मैंने उसको ड्रॉ कर दिया है। उसको क्या है कि उसने कल इसको ब्रेकडाउन नहीं किया था, तो हो सकता है कि मंडे इसको ब्रेकडाउन करके नीचे निकल जाए। अगर ये आपको उसमें सेल साइड अपॉर्चुनिटी देता है, कोई सेल साइड का सिग्नल देता है तब आप इसमें सेल साइड ले सकते हो। अब अगर आप इसे क्या कि 1 आवर्स पे देखोगे तो सही से आइडिया आएगा। आप देखो 1 आवर्स पे हम जब भी क्लिक करते तो आप देखो एक आपको क्या है कि कंसोलिडेट वाला पार्ट मिल रहा है। बाद में इस लेवल को अगर मंडे ये ब्रेक डाउन करके क्या है कि सस्टेन करने लगता है तो आपको एक डाउन साइड देखने को मिल सकती है स्कॉट में। तो ये थे हमारे स्टॉक जो सेल साइड के लिए थे। अभी बाइंग साइड के लिए कोई भी हमारा स्टॉक मंडे नहीं है तो हम बाइंग साइड वाले स्टॉक नहीं देखेंगे। अगर ये सभी स्टॉक में से कोई भी हमें स्टॉक में सेल साइड की एंट्री मिले तब हम इसमें ले सकते हैं। जो हमारा स्टॉक थे वो कौन से थे एक बार देख लेते। रिलायंस था सेल साइड, कैडिला हेल्थ केयर था सेल साइड, लुपिन था सेल साइड, बाद में बायोकॉन भी सेल साइड था, बाद में जेएसडब्ल्यू स्टील भी सेल साइड था और लास्ट में था स्कॉट, वो भी सेल साइड से। सबके लॉजिक आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको इसमें कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तब आप इसे मंडे सेल साइड ले जा सकते हो, लेकिन मेन बात है कि आपको अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि मार्केट ओपन होने के बाद ये सभी में आप सेल साइड बैठ गए।
अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है सेल साइड की तब आप एंट्री ले सकते हो। तो ये था हमारा छोटा सा वीडियो कल की वॉच लिस्ट के लिए। अगर ये वीडियो आपको कहीं से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप लाइक कमेंट करोगे तभी तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और वैसे वीडियो आगे लेके आएंगे। सो प्लीज यारो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब कर देना। और हम क्या है कि इंडिकेटर पे एक सीरीज बना रहे, बाद में उसमें स्ट्रेटेजी ऐड करने वाले और अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो हम इसमें प्राइस एक्शन भी ऐड करने वाले। अगर आपको कुछ लर्निंग करने, कुछ जानना है, कुछ सीखना है तो सिंपल सा तरीका आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाइए। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय जय हिंद।